हे फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? मैं हूँ डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ। और आज आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक मैंने लेकर आया है। टॉपिक का नाम है स्नेक बाइट, मतलब स्नेक बाइट मतलब सांप का काटना। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया है तो उसे दबा लें और उसके बाजू में बेल आइकन को भी दबा लें। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको अगर स्नेक बाइट हुआ है तो उसमें लक्षण क्या दिखते हैं, साइन सिम्टम्स क्या दिखते हैं? दोस्तों, आपको समय पहले आपको चक्कर आना शुरू हो जाती है, आपको उल्टी भी हो सकती है, आपको जो है मड़मड़ होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको दम आना शुरू हो जाता है और कभी कभी सांस बंद भी पड़ सकती है दोस्तों, और आपका बीपी बदल होना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसके ऊपर हम ध्यान देना चाहिए और हमें इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल को रन करना चाहिए, जहाँ पे प्राथमिक उपचार या ICU उपलब्ध है वहाँ पर हमें रन करना चाहिए। इसी के साथ और बहुत से लक्षण इसमें दिखते हैं। ये जो लक्षण की मैं बात किया हूँ वो पॉइजनस स्नैक्स मतलब विषारी सांप अगर काटेगा तो ऐसे लक्षण हमें दिखेंगे। नॉन पॉइजनस स्नैक में क्या लक्षण रहते हैं दोस्तों? नॉन पॉइजनस स्नैक में नहीं होते, उसको सिर्फ हमें 24 घंटे तक देखना पड़ता है कि इसमें कोई चेंजेस आते हैं क्या, कोई सिम्टम दिखते हैं क्या, पेशेंट को जो है रिलीज़ किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो नॉन पॉइजनस स्नैक और पॉइजनस स्नैक में बहुत अलग अलग डिफरेंस है। पॉइजनस स्नैक्स जो है उसके लक्षण बहुत ही सीवियर होते हैं। पॉइजनस स्नैक का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में इमीडिएटली स्टार्ट किया जाता है, उसको एंटी स्नैक वेनियम ASV बोलकर एक इंजेक्शन रहता है वो दिया जाता है। स्नेक बाइट ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉइजनस स्नेक और एक होता है नॉन पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक मतलब जो सांप विषारी होता है और नॉन पॉइजनस स्नेक मतलब जो सांप विषारी नहीं होता है। तो दोस्तों, 95% या 99% स्नेक्स जो ज़्यादातर स्नेक्स होते हैं दोस्तों, ये नॉन पॉइजनस होते हैं और 1% या अप टू 5% स्नेक जो होते हैं ये पॉइजनस होते हैं। तो हमें मैक्सिमम टाइम जो स्नेक बाइट होता है, मैक्सिमम टाइम जो स्नेक बाइट होता है वो नॉन पॉइजनस होता है, इसलिए आपने घबराना नहीं है और आपने जो है उस स्नेक की पड़ताल करना है, जांच करना है कि किसने काटा है आपको, कौन से प्रकार का सांप था वो। स्नेक बाइट में पॉइजनस और नॉन पॉइजनस से दो प्रकार हैं, उसमें जो है बहुत से टाइप्स हैं, फिर से सब टाइप्स हैं। पॉइजनस में भी बहुत से सांप हैं, जैसे विषारी जो सांप है उसमें किंग कोबरा है, कोबरा है, और नॉन पॉइजनस में मैक्सिमम सांप आते हैं। और मैक्सिमम हम ऐसा अगर सोचेंगे कि पॉइजनस स्नैक्स कहाँ पर होते हैं तो दोस्तों, वो जंगली एरिया में होते हैं, जंगली भाग में होते हैं। सिटी में पॉइजनस स्नैक्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं दोस्तों, जहाँ पर खेत का भाग है दोस्तों, खुली जगह में जो है पॉइजनस स्नैक्स ज़्यादा मिलते हैं और बंद जगह में पॉइजनस स्नैक्स ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम टाइप जो हमें स्नैक बाइट होता है वो नॉन पॉइजनस होता है, इसलिए घबराने की गरज नहीं है। आपने जो है संयम रखना है और सही तरीके से उसको हैंडल करके उसको अपने प्राथमिक उपचार कक्ष की तरफ जाना है और अपने लक्षणों की तरफ ध्यान देना है कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट है, आप में क्या बदल हो रहा है, उसकी तरफ आपने ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी। दोस्तों, स्नेक बाइट होने के बाद लक्षण क्या क्या होते हैं, उसमें लक्षण क्या मिलते हैं, क्या क्या उसमें अलग अलग प्रकार के लक्षण आते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके ऊपर हम अब बात करेंगे दोस्तों। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्नेक बाइट में क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए उसके बारे में अब हम बात करें। मैं स्नेक बाइट में क्या नहीं करना चाहिए, स्नेक बाइट ने सांप ने काटा है उस जगह पे बहुत से लोग मुंह लगाकर वहाँ का विष काटने की कोशिश करते हैं, वहाँ का जो पॉइजन है वो काटने की कोशिश करते हैं और ख़ुद भी जो है ख़तरे में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर जो है नीडल मार्क कर वहाँ से खून निकाला जाता है या वहाँ पर जो है इंजरी की जाती है। ये गलत तरीका है, क्योंकि अगर वहाँ पे नीडल मारेंगे तो वहाँ पे उस पेशेंट को इंजरी होगी और उससे ब्लीडिंग होगी और उससे उसी को ही नुकसान होगा। और एक चीज़ इसमें देखी गई है, जो स्नेक बाइट हुआ है
सांप ने जहाँ पर काटा है उसके थोड़े ऊपर जो है एक रस्सी बांध दी जाती है, एक टॉर्निकेट बांध दी जाता है। गलत है, टॉर्निकेट या रस्सी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। अगर ये टॉर्निकेट या रस्सी एक घंटे से ज़्यादा, बिल्कुल गलत है दोस्तों, अगर ये एक घंटे से ज़्यादा उस जगह पे वहाँ पर रहा तो वहाँ पे जो है टॉक्सिक जो है जहर जो है पूरा तैयार हो जाता है, उतना पूरा हिस्सा खराब होने की संभावना है, गैंग्रीनस होने की संभावना है। एक घंटे के पहले अगर वो हिस्सा काटा नहीं गया, वो टॉर्निकेट अगर काटा नहीं गया तो वो हिस्से को काटने की गरज पड़ सकती है, जिसे हम एम्पुटेशन कहते हैं दोस्तों। अगर कि कभी भी टॉर्निकेट या रस्सी ना बांधे, अगर ये सब चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है तो हो। आई होप दोस्तों आपको जो है ये समझ में आया होगा कि स्नेक बाइट में क्या नहीं करना है। स्नेक बाइट में टॉर्निकेट नहीं बांधना है, स्नेक बाइट में मुंह से वो वहाँ का पॉइजन नहीं काटना है, स्नेक बाइट में वहाँ पे कोई इंजरी नहीं करना है। तो स्नेक बाइट में करना क्या है दोस्तों, तो स्नेक बाइट में करना ये है, आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या है वो फार्मूला? वो फार्मूले का नाम है डू इट राइट, RIGST। इसमें RIGST जो वर्ड है उसके हर वर्ड पे एक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इसमें जो R है उसका मतलब है रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस मतलब उस पेशेंट को आपने ये समझाना है कि बाबा आपको कुछ नहीं होगा, आप धीर रखिए, आप दिलासा रखिए, आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल को हम जल्दी चले जाएंगे। फिर आपने उसने को ये बोलना है कि बाबा आपको जिस सांप ने काटा था वो सांप विषारी नहीं, वो सांप विषारी नहीं था, वो नॉन पॉइजनस स्नेक था, तो आपको कुछ नहीं होगा, आप दिलासा रखिए। उसको बोलते हैं रीअश्योरेंस, उसको आपने समझाना है अच्छी तरीके से। आए जो है बात, सेकेंड वर्ड आए, उसका मतलब है इमोबलाइजेशन। इमोबलाइजेशन मतलब जहाँ पर आपको विष बाधा हुई है वो जगह आपने हलानी नहीं चाहिए। फिर उसके पास पता है GH मतलब गो टू द हॉस्पिटल, आपने हॉस्पिटल को जल्दी से चले जाना चाहिए। और लास्ट का जो T है उसका मतलब है टेल द डॉक्टर, मतलब जब से सांप काटा है और हॉस्पिटल को आने तक जो भी इन बिटवीन उसको लक्षण या कुछ भी जो हुए है वो आपने डॉक्टर को बताना है। उल्टी हुई है, चक्कर आई है, सांस बंद हुई है, क्या भी हुआ है, बेहोश हुआ है पेशेंट, तो ये सब चीज़ें जो है अपने डॉक्टर को बताना है। तो ये चीज़ें जो है आपने स्नेक बाइट में ध्यान रखना है। डू इट राइट, ओके। एट द लास्ट मैं आपको एक कहानी बोलना चाहता हूँ। एक कहानी थी, एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था तो उसके पैर को कुछ वहाँ पे ईजा हुई, कुछ वहाँ पे चुभ गया। उस व्यक्ति को ये महसूस हुआ कि उसे जो है सांप ने काट लिया और इस वजह से वह बहुत ज़्यादा डरने लगा और वहाँ पे जो है लक्षण भी शुरू हो गए। घबराने की वजह से दोस्तों जो है उसे अलग अलग लक्षण शुरू हो गए और उसका हार्ट और बीपी में फ्लक्चुएशन होकर उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो चुकी दोस्तों। जब मेडिकल टीम ने उसके एग्जामिन की तो उसके पैर में जो है, और दोस्तों वो सिर्फ डरने की वजह से हुई। तो दोस्तों कृपया करके डरे ना, हिम्मत रखे। ज़्यादातर जो ये सांप रहते हैं वो नॉन विषारी रहते हैं, नॉन पॉइजनस रहते हैं। स्वस्थ रहे, आबाद रहे, अच्छे रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी साइनिंग ऑफ। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।